गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नोत्तर देखा था, अब आप लोग का अध्याय क्यों है, इसमें आप लोग का चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। बच्चों, हम लोगों ने जो देखा था किस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगी, कौन कौन से ऐसे राष्ट्रवादी नेता हुए जिन्होंने यूरोप में इटली, जर्मनी, फ्रांस का एकीकरण किया, और भी उसके साथ बहुत सारे ऐसे देश थे, बोहेमिया, पोलैंड, हंगरी, ये सारे देशों में भी राष्ट्रवाद की भावना जगी और ये देश भी राष्ट्रवादी वहां पर आंदोलन हुए और एक नए राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। अब अगला चैप्टर है आप लोगों का समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने पूरे आधुनिक काल में एक नई सोच, एक नई विचारधारा का प्रसार किया। जब औद्योगिक क्रांति हुई थी 18वीं शताब्दी में, तो उस समय जो कुछ पति वर्ग थे, चूंकि उस समय जो कुछ पति वर्ग थे, जो मिल मालिक थे, वो काफी श्रमिकों का शोषण किया करते थे, काफी श्रमिकों का शोषण करते थे। उसमें कुछ पति वर्ग के खिलाफ आवाज उठने लगी और उस आवाज उठाने में कई ऐसे राष्ट्रवादी नेताओं ने भी साथ दिया। और जब ये आंदोलन चरमोत्कर्ष पर था, सबसे ऊपर था, स्थान पर था, तो उस समय समाजवाद का जन्म हुआ। यानी समाजवाद, समाजवाद की परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं, समाजवाद, समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर, उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का एकाधिकार होता है, यानी सरकार का हक होता है। और जब इस स्थिति में सरकार का एकाधिकार होता है, सरकार का हक होता है, तो वो एक आदमी के लिए नहीं बल्कि वो पूरे समाज के लिए होता है, एक आदमी के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए होता है। इसी का स्थापना करना समाजवाद कहलाता है और यही समाजवाद कहलाता है। समाजवाद का अर्थ होता है कि किसी एक आदमी का अधिकार ना हो पर पूरे समाज का उस पर अधिकार हो, और जब ऐसी स्थिति होती है तो उसे हम समाजवाद कहते हैं। समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में हुआ था जब औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति के समय विश्व के बहुत सारे ऐसे देश जो थे उसमें आर्थिक व्यवस्था थी, उसमें बहुत सारे ऐसे परिवेशों का आकलन हो गया था, परिवेशों का समावेश हो गया था, जिसके कारण जो पूंजीपति वर्ग थे वो और पूंजीपति होते जा रहे थे, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य था श्रमिकों का, मजदूरों का शोषण। और अर्थव्यवस्था का विकास जो था, वो विकास का पूरा शिरोधार जो था वो मिल मालिकों और जो पूंजीपति वर्ग थे उनके पास निहित था। और जब सारा अधिकार पूंजीपति वर्ग के लिए निहित था तो श्रमिकों का जीवन नारकीय बनता जा रहा था, श्रमिकों का जीवन शोषण के कारण नारकीय बनता जा रहा था, श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं था, सारा अधिकार बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के थे, और जब कोई अधिकार श्रमिकों का नहीं था तो श्रमिकों का शोषण सबसे अधिक होता था। इस तरह इस स्थिति में विश्व में दो औद्योगिक क्रांति में दो तरह के वर्ग का उदय देखा जा सकता है। यानी औद्योगिक क्रांति के दृष्टि से देखा जाए तो उस समय विश्व में दो वर्ग का उदय हुआ था, जिसमें एक वर्ग थे पूंजीपति वर्ग और जो मध्यम वर्ग धीरे धीरे शक्तिशाली हो की तरफ आगे बढ़ रहा था, एक ये वर्ग था, दूसरा वर्ग था श्रमिक वर्ग।
तो जो पुष्पति वर्ग थे और मध्यम वर्ग थे ये लगातार शक्तिशाली की तरफ होते जा रहे थे और शक्तिशाली होते जा रहे थे, और जो श्रमिक थे उन शोषण के कारण वो और नीचे की तरफ जा रहे थे, उनका और पतन होता जा रहा था। और यही कारण था कि श्रमिकों को भूखे मरने पर वो बाध्य थे, भूखों मरने की स्थिति आ गई थी उनके सामने। इसी के कारण आर्थिक दृष्टिकोण से उस समय समाज दो भागों में बढ़ गया, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। जिस समय आर्थिक जगत में श्रमिकों का भरपूर शोषण किया जा रहा था, उनका पतन हो रहा था, तब उस समय आर्थिक स्थिति में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरी थी, और जो श्रमिकों का पतन हो रहा था उसकी स्थिति में सुधार करना बहुत ही आवश्यक था। इसी सुधार में उस समय विश्व के कुछ श्रमिक भक्त जो थे नेता, जो श्रमिकों के बारे में सोच सकते थे, श्रमिक राष्ट्र नेता जो थे, जो राष्ट्रभक्त नेता थे, जो श्रमिकों के बारे में, किसानों के बारे में सोच सकते थे, उनका उदय हुआ। और उन्होंने एक नामी नई विचारधारा, नई लेखकों मार्गदर्शन करते हुए नई विचारधारा समाज में फैलाई, नई क्रांति लाई उन्होंने। इन विचारकों में, इन नेताओं में आपको सेंट साइमन था, फॉरियर था, लुई ब्ला था, रॉबर्ट ओहम था, कार्ल मार्क्स था, एंगेल्स था, इनका नाम विशेष उल्लेखनीय लिया जाता है। इन महान विचारकों ने यूरोपीय देशों में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था जो थी, ये जो महान नेता थे, वो यूरोप में जो व्यवस्था आर्थिक जगत में फैली हुई थी उसकी इन्होंने कड़ी निंदा की, और अपनी नई विचारधारा के कारण उसमें परिवर्तन लाना शुरू किया। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का जनक मार्क्सवादी विचारकों ने इन्हें क्रमशः पूर्व का समाजवाद एवं मार्क्स से कार्ल मार्क्स जो थे उनके विचार से समाजवाद का जन्म हुआ, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो थे वो श्रमिकों के बहुत बड़े नेता थे और वो समाजवाद का उन्हें जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को, तो उनके विचारों से आर्थिक जगत में एक नई क्रांति आई, एक नई सोच प्रकाशित हुई। और अधिकतर जो यूरोपियन विचारक थे, जो फ्रांसीसी विचारक थे, उन्होंने क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखने की प्रतिज्ञा की, यानी ऐसी सोच की कि हम क्रांति के बदले जो शांतिपूर्ण अगर ऐसा सुधार होता है तो उसमें विश्वास रखा जाता है। और उसमें जो वर्ग संघर्ष की क्रांति चल रही थी उसको रोकने का सबसे सफल तरीका यही था, यानी अगर उस समय क्रांति होती तो मजदूरों और पूंजीपतियों वर्ग के बीच में क्रांति होती, तो यूरोपियन जो फ्रांसीसी जो विचारक थे, नेता थे, उन्होंने कहा कि नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से ही इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। इसमें कार्ल मार्क्स, लुई ब्ला, फॉरियर, इन लोगों का काफी योगदान था। इसलिए कार्ल मार्क्स आपको समाजवाद का जनक कहा जाता है, समाजवाद का उन्हें जनक के रूप में माना जाता है। तो ये सारे आपको समाजवाद और साम्यवाद में आया। अगला हम अलग अलग टॉपिक यूटोपियन समाज, कार्ल मार्क्स, लुई ब्ला के बारे में अगले टॉपिक में हम लोग उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो में समाजवाद का परिभाषा मैंने आपको बताया है शुरू में, आप लोग उसको पढ़िएगा, अगर समाजवाद लिख के आप लोग अपने उसका परिभाषा आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, आप लोग किताब पर पढ़ के जरूर आइएगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, धन्यवाद।